Dan kabar kami gimana? Halo. Hamzah Kiyo. आप सबका बहुत बहुत आप हमारे इस नगर में धर्म के क्षेत्र में बना रहे हैं यह हमारा कर्म का फल है। मैं पिछले कई दिनों से कुछ वर्षों से समय से हमारे मित्र सूर्यकांत मिश्रा जी से हमारा परिचय है तो अक्सर आपके बारे में बातें करते थे। मैं बड़ा प्रभावित होता था उनके वचनों से उनके ज्ञान से और मैं उनसे बार बार मैंने फोन करता जामिन स्वामी जी का दर्शन करना तो उन्होंने कहा कि वो वैसे तो मैं जामिन के सुनने रहते हैं कभी कभी वो दिल्ली की तरफ आते हैं जब कभी उनका यहाँ आगमन हुआ तो उनका क्षेत्र में भी हम आयोजन रखेंगे प्रोग्राम रखेंगे। तो यह आज हमारा परम का वाक्य है कि आप यहाँ बता रहे हैं तो हमें बहुत अत्यंत प्रसन्नता है और हमें बहुत एक आनंद का आभास हो रहा है कि हमें आपके ज्ञान से आपके प्रवचनों से आपके आशीर्वाद से हम सब आप आनंद करूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ आए हुए कुरुक्षेत्र से सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य सम्राटों के सम्राट गुरुदेव की मैं पहले वंदना करता हूँ और जो संता है उनका भी सम्मान स्वागत करता हूँ। पहले गुरु जी से निवेदन करता हूँ उनको दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। सभी संतों आप जी सभी लोग मातृ पिता रूप प्रदाता हो
गुरु जी अपने प्रवचन से सबका मार्गदर्शन करेंगे और जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण करने वाला है वो प्रवचन करें, जिससे लोग सब आए हुए हैं जो लाभान्वित हों। भजन Bye.
मुझे सर इतने विनम्र इतने प्रेम से भरे और मैं मेरे संतों से कहना चाहूंगा आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि कभी भी मैं ये भगवान की जो निष्कपट सेवा कर रहा हूँ ये भगवान का मैं जो चपरासी हूँ भगवान का जो दास हूँ जो सेवक हूँ मैं अमेरिका भी गया तो वहां से एक भी डॉलर नहीं लाया मेरे को पैसे धन संपत्ति भेंट दक्षिणा पूजा कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं चाहता भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कहते हैं कि जिन ही न चाहिए कछु कभी तुम सन सहज स्नेह रामचंद्र तिनके हृदय हृदय बसहु जहि हमको भगवान की सेवा कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए एक मैं एक मुसलमान फकीर की बात कर दूं यहाँ पे एक मुसलमान फकीर था तो वो बोलता है कि तू तेरे देने का इतना गरूर ना करना मेरे मौला तू तेरे देने का इतना गरूर ना करना मेरे मौला कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे तुझी को मांग गया हमको परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आश्रम आश्रम कुछ नहीं चाहिए हम तो इसलिए भगवान के सेवकों के सेवक हैं जो भगवान के लिए रो रहे हैं आंखों में आंसू डाल के हे प्रभु तुम कब मिलोगे कितने मनुष्य जन्म हो गए कितने मेरे जन्म हो गए प्रभु तुम कब मिलोगे उनसे भगवान से मिलाने के लिए मैं यहाँ शरीर धारण करके आप लोगों के बीच वो तुम्हारे अंदर बैठो कबीर साहब ने जैसे कहा बाहर भुलंजा पर सजनी पिया घट बीच विराज रहे हो ऐसे भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट अचल छिद्र न भावा आप चिंता ना करो भगवान आपके अंदर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती कभी झूठी नहीं हो सकती उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन मैं ही तेरा आत्मा हूँ जैसे मैंने अभी कहा अहम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता तुझा उन्होंने कहा है अर्जुन मैं ही तेरा जीवन हूँ तू जीवन को जान ले तो मुझको जान लिया तुझे तो उस जीवन को जानने की जो विधि है वो मैं सिखाता हूँ वो कैसे जाना है वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा अंतर्यामी वो तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम उसे जीवन भर नहीं जानते ये तुम्हारी मूल में भूल हो जाती है हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिर बनाया मंदिर मंदिर का मतलब क्या हुआ मंदिर मन से दूर चलो अमन अवस्था में चलो शून्य अवस्था में चलो निरिपेकल्प समाधि में बैठो अपने अंदर बैठे हुए राम से प्रेम करो अपने अंदर बैठे हुए कृष्ण कृष्ण का क्या मतलब कृष्ण का मतलब होता है कि जिसके आकर्षण से यह पृथ्वी यह आकाश अनंत गंगा है आकाश गंगा है नाच रही है वो है कृष्ण आकर्षित इति कृष्ण जो रम्यंती इति रहा जो रम रहा है कण कण में मिला था भोले बाबा हुए इधर किसी मंडल में हरियाणा पंजाब के भोले बाबा का नाम कभी सुना भोले बाबा ने कहा कि घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा प्रकाश हो रहा मूर्ख न जान पाए तो भगवान क्या करे निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे अपने स्वरूप को नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना मुझे फिर महर्षि वाल्मीकि की एक बात और याद मैंने ये सोच के पूरी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया मैंने चलो उसमें ब्रह्म ज्ञान की कोई बातें मिलेंगी लेकिन पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं ब्रह्म ज्ञान का मुझे विवेचन मिला नहीं लेकिन मुझे एक चीज एक लाइन पूरी वाल्मीकि रामायण में सिर्फ एक ही बात बहुत वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जिसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया वो आदमी चाहे कितना भी धर्म कर ले दान कर ले यज्ञ कर ले व्रत कर ले उपवास कर ले वो सिर्फ आत्मज्ञान ही व्यक्ति को निष्पाप बना सकता ये मैं नहीं कह रहा हूं वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत हमारे पंडित लोग पुजारी लोग जो लोग हैं वो रुक्मणी व्यास कृष्ण का जन्म करके इसको व्यवसाय बना लिया लेकिन श्रीमद् भागवत में मैंने एक वेदांत भागवत पुस्तक लिखी उसमें भगवान ने प्रत्येक अवतार में ये बताया है कि मेरे को प्राप्त करना कर्मकांड से पूजा से पाठ से यज्ञ से हवन से संभव नहीं मैं तो केवल अंदर झांकने से मिलता आप विश्वास करो ना करो पूरी भागवत को अंडरलाइन किया फिर यूट्यूब पे प्रवचन है पूरी भागवत पे यूट्यूब आप प्रवचन सुन सकते हैं गीता के 700 श्लोक में हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रवचन है एक एक श्लोक पर एक एक घंटे का प्रवचन है आप सुन सकते हैं तो मैं आपको परम सत्य की बात करने यहाँ आया
मैं आपके पास ये नहीं आया कि अभी आप मंत्र कर लो, ये आप टोटका कर लो, आप ये दीपक लगा लो, आप ये कपड़े पहन लो, ये व्रत कर लो, ये माला पहन लो, ये नहीं करने आया। मैं ये बताने आया हूँ कि भगवान आपके अंदर विराजे हैं, आप स्वयं ये सच्चित आनंद है, लेकिन आप अपने आप को जीव समझो। हम एक भजन गाते हैं वो ऐसा है, सच्चिदानंद तू गाय के साथ मैं एक लाइन में गाऊ, नित्य निरद्वंद तू, नित्य निरद्वंद तू, जीव माना जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना, बन गया देह में ही दीवाना, सच्चिदानंद तू, सच्चिदानंद तू, नित्य निरद्वंद तू, नित्य निरद्वंद जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना, बन गया देह में ही दीवाना, अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, अपने अज्ञान से तू
स्मृति चाहे मरुथल की जल चाहे मरुथल के हम तो याद है लेकिन इसका पल आ गया यही ब्रह्मा मूला है तुझको ही शूला है जो चाहे मरुथल के जल में नहाना चाहे मरुथल के जल में नहाना सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना बन गया वे हमें ही दीवाना तेरा मानव की हीरा सिपाही देह मानव की हीरा सिपाही अपना जो पुराना जो भुलाना यदि पूर्ण आनंद पाना यदि पूर्ण आनंद पाना समाज गायत्री परिवार धन निरंकार वैष्णव शैव्य जैन या हमारे सनातन धर्म के अनेक अनेक पंथ द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत इन सबको मेरी बात इसलिए पसंद आएगी कि मैं वो बात कह रहा हूं जो इन सब की जड़ है। कोई वेदांती नहीं कहेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, कोई देवी का भक्त नहीं कहेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान के ही दो रूप हैं, एक उनका विष्णु रूप है और उनका दूसरा देवी का रूप यानी मां चंद्रमा महालक्ष्मी वही शिव है। अगर मेरी बात झूठी है तो मंदिरों में आरती क्यों गाते हो? श्वेतांबर पीतांबर पालांबर होते हैं
क्योंकि आपको बताने वाला कोई बराबर ढंग से आया नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो परमात्मा सच्चिदानंद समस्त देवी देवता और समस्त तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एक एक शब्द जो तुम बोलते हो भगवान के दरबार में, उसके पीछे वो खड़ा है, उसके पीछे वो खड़ा है। जैसे तुम्हारे आँख पर झपकने और कान के सुनने और नाक के श्वास लेने और मुंह के बोलने और मुंह के स्वाद लेने और भोजन के पाचन में तुम्हारा जीवन खड़ा है, यदि तुम्हारा जीवन नहीं हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे परमात्मा कैसा है? रामचरित मानस कहता है, जड़ चेतन ग्रंथि पर गए यद्यपि प्रसाद छूटत कठिन, यद्यपि भी जीव कोई है ही नहीं, जीव है नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन हमने मान लिया जीव है। ज्ञान किसको होता है? जीव को होता है। और जीव ही ब्रह्म होता है, जीव ब्रह्म हो जाता है तब तक गुरु होता है। इसलिए कहा सर्वखिल ब्रह्म वेदों में कहा, इसलिए कहा तुझ में राम तुझ में राम। गोरक्षनाथ जी ने कहा, गोरक्षनाथ जी ने कहा मेरे पास सब, मैं मधुमक्खी हूँ, मेरे पास सब तरह का रस मिलेगा तो सब पूरा होगा है ना। गोरखनाथ जी ने कहा कि कहते सांची बात कहूँ मेरे आपको सांची करनी करके तू चीटी में नानो बन बैठो हाथी में बनो मोटो तू चोरी करके भाग लागो पकड़ हारो तू को तू परमात्मा ही प्यार। आज मेरी बात सुन लो और पक्के से समझ लो तुम भगवान हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम इस माया में रहते हो। इसलिए माया ने क्या किया है, तुम्हारी सारी आंखें बाहर देखती है, कान बाहर सुनती है, जीव बाहर का चखती है, त्वचा बाहर का अनुभव करती है, तुम्हारे पास अंदर प्रवेश करने का कोई यंत्र नहीं है। वो मैं देने आया, मैं जो ध्यान सिखा रहा हूँ उस ध्यान को अगर आपने ठीक से सीख लिया तो आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान रहे हैं, पक्की गारंटेड बात। लेकिन अब एक छोटी सी बात, एक कहानी आती है, शायद सबने सुनी हो ना सुनी हो। चार मित्र थे, चार दोस्त थे, धन की खोज में निकले, पर्वत पर्वत गए। एक मित्र को कोयले की खदान मिल गई, वो दूसरा मित्र आगे चला, उसको तांबे की खदान मिल गई, वो वहीं रुक गया। तीसरा मित्र आगे चला, उसको चांदी की खदान मिल गई, वो वहीं रुक गया। और चौथा मित्र आगे चला, सोने की खदान मिली, तो उसने कहा ओ हो यदि सोने की खदान है तो फिर हीरे की, तो हीरे आगे गए तो हीरे की खदान मिली। उसने कहा ओ हो दुनिया नहीं जानती, हीरे से भी कीमती कुछ हो सकता, चलो उससे भी कीमती कुछ होगा। तो आगे गए थे ऐसे संत परमहंस बैठे हैं, भगवान कीमत बुदायल हीरों के हाथ ऐसे ही विराजमान, जैसे ये विराजे ऐसे विराजमान। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैंने कोयला नहीं चुना, मैंने तांबा नहीं चुना, मैंने चांदी नहीं चुनी, मैंने सोना नहीं चुना, मैंने हीरा नहीं चुना, अब आप बैठे हो यहाँ तो कुछ आपके पास हीरे से ज़्यादा कीमती होगा। तो न बेटा शाबाश, तू जिज्ञासु, मैं सोना तेरा सपने का सोना है, रात में सो जाते हो चाहे तुम सोने के बिस्तर पर सो रहे हो, जैसे जनक की कहानी आपको सबको याद होगी ना, उनको इदम सत्यम के तदम सत्यम ब्रह्म सत्यम की अलम अस्कार ने उनको कहा, अभी वो समय नहीं मैं पूरी सुना था। तो आप सोने में सो रहे हो, चाहे आप नोटों को बिछा के सो रहे हो, चाहे दास दासियां आपको पंखा झल रहे हो, लेकिन नींद आ गई तो फिर आप में और भिखारी में कोई भी फर्क नहीं, पता नहीं सपना आपको कहाँ ले जाएगी। जैसे रामचरित मानस में कहा है कि भोगनि सासव सुभने हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार। जब निशाद रोने लगे, भगवान जब नीचे सो रहे थे, निशाद की आंखों में आंसू आ गए, तो भगवान ने उनके अंदर अंदर आकर संकेत किया, लक्ष्मण उनको सिखाओ समझाओ। तब लक्ष्मण ने निशाद को ज्ञान कराया कि सारा संसार नींद में है, जैसे माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अब भजन का मतलब क्या है? जो भरा है जगत में उसको परमात्मा को उदाहरण देकर कहूंगा, संत महात्माओं की वाणी का उदाहरण देकर बोलूंगा तो आप झट मान जाओगे। तो आपकी आदत ही पड़ी हुई है, आप है ना प्रमाण की कोई बात मानते हैं।
तो वही परमात्मा जो आपके अंदर है और ये जगत की जो माया है ये आपको बुलाए। जैसे कबीर साहब ने कहा कि माया Thank you.
और ना इंद्रियों तक, इंद्रियों से भी उसकी ताकत है कि इंद्रिय उसको जान, जो तो वो देख नहीं सकते, आप आकाश को तो देख नहीं सकते, परमात्मा को क्या देखो भाई। आप बादल देख सकते हो, आप एक नीलापन देख सकते हो, लेकिन आप आकाश अंतरिक्ष को नहीं देख सकते। पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है उसको आप नहीं देख सकते, स्पेस को नहीं देख सकते। तो परमात्मा के, जहाँ परमात्मा के ज्ञान में ये पांच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व यह रचित शरीरा, इससे सिद्ध हो रहा है ना कि आप, इससे सिद्ध हो रहा है ना कि आप ये पांच तत्व नहीं हो। और यदि हो तो कोई भी आदमी ये कहता नहीं फिरता कि मैं शरीर, मैं शरीर, कोई कहता है मैं शरीर, कोई बोलता है? इस कुरुक्षेत्र में एक आदमी ढूंढ के आता हूँ, ये कहता होगा मैं शरीर हूँ, मैं शरीर, कोई कहता है क्या? नहीं कहता है, कहता है मेरा शरीर। यानी कोई है जो शरीर, शरीर को जानता है, शरीर में रहता है और कहता है मेरा शरीर, जैसे मेरा कुत्ता। तो आप शरीर से अलग हुए, बोलो जोर से, हुए कि नहीं हुए? अब कहता है मेरा, मेरा मन आज अच्छा नहीं है भैया, कल मिलेंगे, आज मन नहीं है अच्छा, कहते हो ना, कहते हो तो नहीं कहते हो? तो मेरा मन है, तुम मन भी नहीं। फिर कहते हो भैया मैं क्या बताऊँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी यार, मेरा काम बिगड़ गया, उस आदमी को ऐसे बोलना था वैसे बोल दिया, बोलते हो ये बोलते हैं। तो आप बुद्धि नहीं हो, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। और बुद्धि, बुद्धि कहते हैं बुद्धि चमारी चू हुई, जैसे चूहा होता है वो टुकड़े तोड़ तोड़ के कर देता है, बर्बाद कर देता है कपड़े को, ऐसे बुद्धि प्रेम को नष्ट कर देती है, मन प्रेम को नष्ट कर देता है। तो मन बुद्धि तुम हो नहीं, कहते फिर आ रहा क्या बताए, मेरा चित्त नहीं लग रहा यार, बच्चा एक्सपायर हो गया, लड़का एक्सपायर हो गया, मर गया। तो किसी घर में लड़का मर जाए उसको कच्चा ध्यान कर करेगा क्या? बोले किसी को 2 करोड़ की लाटरी हो गया, ऐसे बच्चा ध्यान कर, अरे यार जरा मजा ले लेते 2 करोड़ की लाटरी। तो ध्यान ना तो वो कर सकता जो अत्यंत दुखी हो, ना वो कर सकता जो अत्यंत अल्हाद तो सुखी हो। तो क्या है? तो आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप चित्त नहीं हो। चित्त की दशा है, पातंजलि ने चित्त के 5 दशा बताए, चित्त विक्षिप्त मूड और निर्वेद और निरुद्ध, निरुद्ध है ना, देखिए 5 पता। अब तुम चित्त को निरुद्ध भी कर लोगे, लेकिन चित्त की निरुद्धि के बाहर आगे फिर संसार पकड़ लेगा। मैं ऐसा ध्यान से कहता हूँ जो कभी तुम संसार में पकड़ में नहीं आओगे, माया के पकड़ में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? ये कबीर साहब ने जो कहा सहज समाधि की, साधु भाई सहज समाधि की, ऐसे ही संतों को जल मिला, ऐसे ही ये जो है, हाँ ऐसा है जैसे कबीर साहब ने, जैसे गोरखनाथ जी ने कहा सहजई सहजई चलना सहजई उठना, गोरखवाणी में, मेरे गोरखवाणी को भी पढ़ा है। तो गोरखनाथ जी ने कहा ये कि सहज जीवन जीना चाहिए। तो ये ध्यान जो है वो सहज आ जाता है, सहज आ जाता है। तो अब बात हो रही है कि आप कहते हो कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, मेरा चित्त ठिकाने नहीं है। अब आप एक बात अवश्य कहते हो, जीवन में कई बार क्या होता है, आपका कोई प्यारा सा दोस्त होता है, ऐसा ध्यान देना है, आपका कोई प्यारा सा दोस्त होता है और आप गलती से उस दोस्त से, उस मित्र से कुछ गलती कर बैठते हो, कुछ लूखाती कर बैठते हो, बोलते हो, कुछ जोर से बोलते हो, कोई गाली देते हो और आपको बाद में अफसोस होता है। आप कहते हो कॉमन भैया मुझे माफ कर देना, लंबरदार भैया मुझे माफ कर देना, मैं अहंकार में आ गया था, मैंने आपसे ऐसा बोल दिया, मैं माफी चाहता हूँ। जैसे मेरे संत बैठे मेरे पास में यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे संत बैठे हैं, बुरा है मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे मेरे संतों का सम्मान। तो आप अहंकार में नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अहंकार में खा गए थे, आपको पता है कि आप अहंकार में आ गए। कौन है जो अहंकार में आता है? वो कौन है जो बुद्धि को जानता है? वो कौन है जो चित्त को जानता है? वो कौन है जो मन को जानता है? वो आपका परम तत्व है, आपका सच्चिदानंद तत्व है, वो आपके अंदर बैठा है। जैसे पूरे सागर में सब मछलियों में एक ही जल है, ऐसे अपन सबका एक ही परमात्मा
ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई संत है, ना असंत है, मुझे रोल मिल गया इस कपड़े में मैं आपको बात करने का, आपको रोल मिल गया, वो मैनेजर है, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो टेलीफोन के मैनेजर है, और कोई दुकानदार है, कोई रोल कर दिया। और उस रोल करते करते जैसे कबीर साहब ने कपड़ा बुनते हो, जैसे रहदास ने जूता बनाते बने, जैसे कुंभा कुमार ने घड़ा बनाते बने, जैसे नामदेव ने कपड़े सिलते सिलते, जैसे इन लोगों ने ज्ञान को प्राप्त किया, परम तत्व को, जैसे राजा जनक ने राजा का काम करते करते, तो जैसे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे आप सहज ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसका मैं साक्षी ध्यान से। अब मैं आया अपने मूल बिंदु पर, मैं क्या सीखा, मैं साक्षी ध्यान से था, सर्वधी साक्षी हूं, सर्वधी साक्षी होता वो सबके साक्षी। साक्षी गोपाल का मंदिर, आप साक्षी का क्या मतलब समझते हैं कि कोई कोर्ट में जाके गवाही दिया वो साक्षी, अंदर के कोर्ट की गवाह कौन देगा? अपन कहते हैं भैया यार तू जाने तेरा काम, तेरा राम जाने, आप तो सही है कि गलत है हम नहीं जानते। अब कहीं किसी ने कोई कुछ इल्जाम लगा दिया किसी को, झूठा हो सच्चा हो, तो अपन क्या कहते हैं भैया हमें नहीं मालूम, पाप में नहीं पड़ेंगे, तू जान तेरा, तू सही है तू जा, तू गलत है करेगा तो कौन है जो सारे कर्म बंधन का अधिष्ठाता है, वो अधिष्ठाता होकर भी अकर्ता, लोग कितना आश्चर्य की, वो कर्ता होकर भी अकर्ता है, ना वो कर्ता है ना वो भोक्ता है। जैसे सूरज सुबह उठता है, उसके प्रकाश में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियां भोजन बनाती है, उन पत्तियों को गौ माता खाती है, या उनके पत्तियों को, उन पत्तियों को अन्य अन्य पशु पक्षी खाते हैं, उन पत्तियों को हम पालक और मेथी के रूप में खाते हैं, और उससे हमारे शरीर का मांस और तुलत को ये सब बनता है। तो सूरज जैसे इस पूरी सृष्टि का फूड चेन का, जो पढ़े हुए बच्चे बैठे हुए हैं पढ़े लिखे, वो जानते हैं फूड चेन कोई चीज़ होती है, इस सृष्टि में सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी भोजन का मुख्य स्रोत है ना। ऐसे ही परमात्मा इस समस्त जगत का मुख्य स्रोत, परमात्मा इस जगत का मुख्य स्रोत है, और अगर उस परमात्मा को तुमने जान लिया तो तुम जैसे हीरे का खदान में भी नहीं रुकोगे, तुम चांदी की खदान में भी नहीं रुकोगे, तुम किसी ब्रह्मवेत्ता संत के पास आके रुकोगे। और अगर तुमने उसको जान लिया, तुम्हारा मनुष्य का जन्म सफल, उसका तुम्हारा मनुष्य का जन्म सफल हो गया, फिर तुमको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर तुमको दोबारा इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। देखो इस मंच से मैं गारंटी से कहता हूँ, हालांकि तुमको गुरु महाराज कल हो, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं तुमको आत्मज्ञान करा सकता हूँ, मैं तुमको जन्म मरण से मुक्त कर सकता हूँ, पक्की बात, क्योंकि मेरे इस तत्व ज्ञान को दूसरा जानकर तो दूसरा प्रचार भी नहीं कर पाए, इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ गारंटी से, अगर आप ये ध्यान करोगे, उस ध्यान के करते ही आपको जो शांति प्राप्त होगी, यानी आपको चांदी मिलेगी, ना तो आपको कोयला मिलेगा, ना आपको तांबा मिलेगा, इससे ध्यान करने के 3 महीने के अंदर शांति मिलेगी। इसलिए हमने वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन एक संस्था बनाई, अमेरिका में भी ध्यान चल रहा है, फ्रांस में भी ध्यान चल रहा है, इटली में भी ध्यान चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी ध्यान चल रहा है, रशिया में भी ध्यान चल रहा है। मेरे प्यारे भारतवासियों को जब मैं उनको दे रहा हूँ इंटरनेट से ज्ञान, उन स्काइपी पे उनको रोज ध्यान कराता हूँ, उनको प्रवचन देता हूँ, और मेरे को रशियन भाषा नहीं आती तो मैं गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर करके उनसे बात करता हूँ, तो मेरे प्यारे भारतवासियों को मैं क्यों नहीं दूंगा ये? जब अपन पड़ोसियों को मिठाई खिला रहे हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं देंगे? इसलिए इस ध्यान के करने से सबसे पहले आपको शांति प्राप्त होगी, जैसे सुंदरकांड का पहला शांतम, इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो आपको कुछ अंदर मौजूद शाश्वत तत्व का बोध होगा, और निर्विकल्प समाधि इस ध्यान के 3 महीने में सिद्ध हो जाती है, 3 महीने, जिसको योगी सिद्ध करने में 40-40 साल लगा देते हैं, वो आपको 3 महीने में निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाएगी। ये भाई साहब बैठे चश्मे वाले, इनके काम की बहुत काम की चीज है, उनका जीवन का आखिरी क्षण चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है, चौथा पन चल रहा है, और कभी क्या है कम से कम 85 साल की उम्र होगी, 80-85 है ना बात, आपसे कह रहा हूँ क्या उम्र है आप?
हाँ, सो बस अब इन्होंने मूल तो खा लिया, ब्याज खा रहे हैं। अगर ये मेरी बात को कर ले, आप ध्यान करना शुरू कर दे तो बासा आप परमहंस हो जाओगे, मरने के पहले मुक्त हो जाओगे। तो पहली अवस्था में जब साक्षी का हम ध्यान करते हैं तो हम जब अपने विचारों को देखते हैं तो विचारों को देखते हैं तो विचारों से अलग हट जाते हैं। तो काम के विचार आते हैं तो हम काम ही नहीं होते, क्योंकि काम के विचार अपने देख लिए तो काम हावी नहीं। क्रोध के विचार आते हैं तब हम क्रोधी नहीं होते, क्योंकि क्रोध के विचार अपने आते देख लिए वो आते हैं और चले जाते हैं। अब हम उससे टच नहीं होते तो क्रोध नहीं आए। लोभ के विचार आते हैं तो अपन लोभी नहीं होते, मोह के विचार आते हैं तो मोही नहीं होते। ये समझ लो कि इस देश का पूरा क्राइम खत्म हो जाएगा, मेरा ध्यान को सब करने लग जाएगा। चोर जब चोरी करने का भाव आएगा और वो विचार को देख लेगा कि मैं चोरी नहीं करी है, चलो कहीं मैं चोरी कर। रिश्वत लेने वाला जब रिश्वत लेने के विचार उसके मन में आएंगे तो वो देख लेगा और लोग के विचार रिश्वत क्या है, और मैं जिससे रिश्वत ले रहा हूँ क्या पता वो पैसे किसी बहन बेटी के शादी के हैं या किसी माता बहन के इलाज के हैं या किसी के भोजन के हैं। तो उसके अंदर एक करुणा जागेगी, नहीं लेगा रिश्वत। ये तुम्हारी संसार सरकार फेल है। सरकार कभी देश को बदल नहीं सकती, पर ध्यान ही देश को बदल सकता है। भारत का आध्यात्मिक देश को बदल, क्योंकि तुम जो नैतिकता सिखा रहे हो वो धोपी हुई नैतिकता है। ऊपर से किसी को तुम सिगरेट पीता है, अब ब्लास्ट बोलो तो सिगरेट छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन यदि उसको लगे मैं उसको पी सकता हूँ, पी सी पी तो पी ध्यान से पी, एक कसले और देख धुआं तेरे अंदर कैसा जा रहा, देख कैसी बदबू आ रही हो, देख कैसा तेरे को लगा है। तो वो जब जागेगा सिगरेट पीते हुए भी तो सिगरेट को छोड़ दो। तो ये जो मेरा ध्यान है ये बहुत प्रैक्टिकल है, कोई पूरी बकवासबाजी नहीं। इस ध्यान के करने से आपके अंदर इतना परिमार्जन होगा कि आपकी बुरी आदत छूट जाए, बिल्कुल 100% छूट जाए। अगर आप ईमानदार से ध्यान करेंगे, इस ध्यान को करेंगे तो आपको नींद नहीं आती तो नींद आएगी। इस ध्यान को करेंगे आप आपकी पत्नी से आप जोर से बोल नहीं सकते, आपके बच्चों को बेवजह मार नहीं सकते, आपके मुदित नहीं हो सकते, आपके आपके पड़ोस पड़ोसी कहेंगे भैया क्या परिवर्तन आ गया, क्या परिवर्तन आ गया। अरे सर अपने मित्रों को देखो, अपने सूर्यकांत को देखो कैसा जीवन जी रहे। तो जब आप ऐसे करेंगे, जब इस ध्यान को करेंगे तो इस देश में किसी बहन बेटी को देख के किसी के मन में अगर बुरे विचार आएंगे वो विचार को देख लेगा तो बहन बेटी की तरफ नजर हटा लेगा, नहीं भैया ये नहीं करना, ये गलत। तो इस देश में बलात्कार वे विचार सब खत्म। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अंदर से आदमी को जगाने की बात कर रहा हूँ, एक अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस ध्यान का नाम रखा है मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, अंग्रेजों के लिए और हिंदुओं के लिए, अपने भारत के लिए। हिंदू कहना पड़ता है, संस्कृत हिंदू ही है, तो अपने भारत के लिए कह रखा हमने साक्षी ध्यान, साक्षी का ध्यान। अब तो समझ गया साक्षी का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर आपसे विचार नहीं देखे जाते, सबसे पहले आप सांस को देखें, आती जाती सांस को देखें। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वो सोहम हंसा सोहम हंसा सिखाया था, लोग वहीं अटक गए सोहम हंसा सोहम हंसा। अब अजूबा जा ये सोच के सिखाया था, चलो अजूबा के आगे चले जा, आप हमारे अजूबा हमारे गोरखनाथ जी ने कहा ये सब, ये अजूबा जाप से भी अब उनको परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों? ये अजूबा जाप तो श्वास से होता है और मानसिक जाप मन से होता है, तो परमात्मा मन से परे कैसे मिल जाएगा। तो फिर अपन क्या करें, ये श्वास को देखें थोड़े दिन, महीना 15 दिन, फिर विचारों को देखें, और विचारों को देखेंगे तो क्या होगा, तो वो विचार अपने जैसे कोई बच्चा उधर लगा होता है ऐसा करके देखें तो चुप कर, तो विचार शांत हो जाएंगे और शून्य घटित हो जाएगा। और शून्य घटित हुआ तो ये शून्य ही निर्विकल्प समाधि है। क्यों अभिजीत खड़े हो जा, तुम्हारे अंदर शून्य घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो जोर से। पूरे कान तुम्हारे अंदर शून्य घटित हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ तुम्हें राजी हुआ है, सत्य बोल हुआ है। वो शून्य घटित हुआ हो गया तुम्हारे अंदर, जिसको बड़े बड़े लोग ऋषि मुनि तरसते हैं, वो शून्य निर्विकल्प समाधि है। उस शून्य में उस निर्विचार अवस्था में, विचार न होने की अवस्था में संकर सहज स्वरूप समारा लगी समाधि अखंड, अखंड अभा समाधि।
कर्ता जानते हो, समधर अधि, यानी समान रूप से परमात्मा जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान या जगत का भव सागर के सेतु, ब्रह्म ज्ञान के मूल है, सब विद्या के मूल है, ब्रह्म ज्ञान के हेतु, आंखें फोड़ी अज्ञान ने मेरे सतगुरु किया उदास, सतगुरु दिव्य दृष्टि ने करते ब्रह्म प्रकाश। तो आप उस अधिष्ठान में समान रूप से खड़े रहेंगे, उसी शून्य अवस्था में भोजन करेंगे, उसी में नहाएंगे, उसी में ऑफिस जाएंगे, उसी में कार चलाएंगे, उसी में दुकान में सामान बेचेंगे, उसी अवस्था में जब रहेंगे तो ये शून्य अवस्था परमात्मा का द्वार है, दरवाजा है, दरवाजा है। अब आपके सामने यहाँ कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, तो ये पोस्टर जो लगा है ये जो बता रहा है कि अस्तित्व जो है, परमात्मा जो है, वो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से परे है। अब आपको मालूम है कि स्थूल शरीर क्या है, जो मेरा हार्ड मास का जो देह है, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का मॉनिटर, पीसीयू, कीबोर्ड, माउस, ऐसे ये हमारा जो शरीर है हार्ड मास का, ये हमारा स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी इंग्लिश में। सूक्ष्म शरीर कौन सा, हम स्थूल शरीर में अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये स्थूल शरीर की अवस्था है, ज्यादातर अवस्था। सूक्ष्म शरीर क्या है, जब हम सो जाते हैं तो जो स्वप्न आता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर से होता है, और वो सबसे सूक्ष्म शरीर की अवस्था क्या है, स्वप्न। स्थूल शरीर किससे बनता है, हाड़ मास सप्त धातु इनसे बनता है, है ना। स्थूल शरीर कैसे बनता है, अंग से, हड्डी से, इससे, उससे, मज्जा से, सब किए, जो आयुर्वेद कहता है कि सप्त धातु होती है, है ना, उससे बनता है। और अध्यात्म कहता है पांच तत्व से बनता है, ये सूक्ष्म शरीर किससे बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है आपके मन से, और मन काय से बनता है, आपके जल से, संकल्प और विकल्प, ये मन के ताने और बाने, जैसे ये कपड़ा काय की काय से बना है, कपड़ा सूत से, कपास से, ऐसा आपका मन संकल्प और विकल्प से जो विचार से बना। और कारण शरीर क्या है, मन बुद्धि और चित्त, ये तीनों मिला लो तो ये सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आपका जो अहंकार है वो है कारण शरीर, आपके अंदर का जो। और कारण शरीर की अवस्था क्या है, जैसे स्थूल की अपन बात कर रहे हैं, सूक्ष्म भी अपन सपना देख देखो, और कारण शरीर की अवस्था क्या है, जब आप गहरी नींद में सो जाते हो, जब आपको सपने नहीं आते, या किसी को अनुभव होगा जब डॉक्टर क्लोरोफार्म सुला देता है और दिल काट के निकाल के बदल देता है, अपेंडिक्स बदल देता है, दिमाग को खोल के दिमाग की जो ट्यूमर है वो निकाल देता है, लेकिन आपको पता नहीं है, रहता है ऐसे छोटे, जब बचपन में आप छोटे थे तो माँ के पास सो रहे होते तो दादी उठा कर आपको ले जाती है, और सुबह उठते अरे हम तो माँ के पास थे, दादी के पास कैसे आ गए, तो ये आपका खुद का अनुभव है, ये आपका कारण। तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर इन तीनों से परमात्मा परे, ये जो हमने बनाया, ये डिजाइन तुम्हें बनवाई और आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। शरीर इंद्रियां ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि और चित्त है, और कारण शरीर में आपका अहंकार ईगो है, कल्चरल बॉडी, और उसके पार आपका परमात्मा है, जिसे मेरी आस्थान से सुनो कि अपन सब बैठे हैं तो अपन सब में एक ही आकाश है कि नहीं, कि अलग अलग आकाश है, आपका सबका आकाश अलग है क्या, जैसे हमारे महापुरुष ने कहा मठाकाश, घटाकाश, महाकाश, समझाया, तो समझ में बात अपने को आई नहीं, तो जैसे आकाश एक ही है, जैसे ज्योति में तेरा है, जो चमक में आग तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, कभी साथ लेगा, जैसे आकाश सब में एक है, उस आकाश की जिसको, वो आकाश की जिसका आधार पाता है वो है आपका स्वरूप, वो है आपका स्वरूप, इसलिए ये अपना स्वरूप है, इससे आपके तीनों शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, और इस संबंध न होने के बोध को अगर आप पाना चाहते हो तो वो तो आपको साक्षी के ध्यान से ही मिलेगा, जब से तो आप
भगवान का ध्यान करो। पंडित जी कहते हैं शांताराम भुजग सयम पद्मनाभम सुरेशम। अब उनको ही नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। शांताराम जो मैंने आपकी सुंदर कांड का बताया, आवाज कम करो भाई, आवाज बहुत तेज है। भगवान शांत है लेकिन शांति का तो कोई आकार नहीं है। भुजग सयम ये पूरा संसार जो है, ये पूरा संसार आकाश गंगा, आकाश गंगा का नक्शा ये ओम पे लगा है। जैसे सांप की कुंडली होती है या अपन ने कहते हैं शेषनाग पे भगवान विष्णु विराजे है ना, तो अपने को भगवान ने ये समझाने के लिए कि मैं अनंत आकाश में आकाश गंगा में व्याप्त में एक तत्व हूं। तो वो जो ध्यान करते हैं अपन, वो ध्यान नहीं, वो ध्यान नकली ध्यान है। वो क्या है? सांद्रता है, एकाग्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है। ध्यान क्या है? जो हमारे अंदर निरंतर जागरण और निरंतर अन्वेषण और होश की सृष्टि करे, होश को पैदा करे, वो ध्यान। ध्यान बेहोशी का नाम नहीं है। अब एक आदमी ध्यान कर रहा हो, आप मान लेकर के ध्यान कर रहा है, हंसा गया गरीब को। अरे ध्यान करोगे, ये ध्यान नहीं है, ये तो प्रोजेक्शन है, ये तो कल्पना पैदा कर रहे हैं तुम्हारे अंदर। कोई भगवान विष्णु ऐसे नहीं जैसे तुम समझो। हम आते हैं, हम ताले आते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है ना। जब आते हैं तभी तो तुमको मनुष्य समझते हो। सुषमा ने कितनी गालियां दी, तो भी ना सीता को कितना बुरा था। तो कहां थी, कहां इज्जत कर रहे हो वहां। जब धनुष यज्ञ हुआ, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, तो राजा लोग कितने कुपित हो रहे थे। जैसे कूतरी नमक की बुद्धी सागर की खा लेने जाती है और घुलती चली जाती है, घुलती चली जाती है, और फिर तो बुद्धि आपको मिलती नहीं है क्योंकि सागर हो जाए। ऐसे थोड़े समय की बात है, मेरा ये देह छूट जाएगा, फिर बहुत पछताओगे क्योंकि फिर मैं सागर में विलीन हो जाऊंगा, फिर नहीं डूब पाओगे। राम चले गए नहीं, कृष्ण चले गए नहीं डूब पाए, कभी चले गए नहीं डूब पाए, दादू चले गए नहीं डूब पाए, नाना चले गए नहीं डूब पाए, बड़े बड़े संत महापुरुष अपने नाम गिनाओ तो भैया उसका 18 प्राण से ज्यादा नाम नाम नहीं, नाम नहीं ले सकते आप। इतने ब्रह्म वेता भगवान ने कृपा करके करुणा करके इस जगत में थे, तो ये तो ध्यान कर दिया। इस ध्यान में ये आपका ये सत्य स्वरूप जो है यहाँ, देखो मैं इतनी बात समझाई तो आप तो समझ गए होंगे कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। बोलो सब एक साथ, क्या है आपका सत्य स्वरूप, क्या है बोलो आपका सत्य स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा है ना? आप नहीं है जीव, आप नहीं है शरीर, आप नहीं है मन, आप नहीं है बुद्धि, आप नहीं है चित्त, आप नहीं है अहंकार, आप स्वयं साक्षात परमात्मा है, लेकिन भूले हुए, भूले हुए। क्या भूलिया दीवाने दुनिया में सारे नाही, तीन चार का तमाशा आखिर करार नाही। चार दिन का मेला है, इस चार दिन के मेले में भूल गए हो तो ये बात हो गई। ये पोस्टर आपको समझ में आ गया। अब अपन कहेंगे पंचीकरण पे चलेंगे। ये पांच तत्व है, अग्नि, ये अग्नि, आकाश, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये निरंतर सूक्ष्म होते जाते हैं। पृथ्वी को आप देख सकते हो, छू सकते हो,
जल द्रवित हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, पृथ्वी वाष्प भी बनती है, वायु वायु उससे सूक्ष्म हो जाएगा, अग्नि तत्व उससे भी सूक्ष्म। गोरक्षनाथ जी से कबीर साहब की जब वार्ता हुई तो गोरक्षनाथ जी और कबीर साहब ने कहा, पूछा कि भाई दीपक जब बुझ जाता है तो अग्नि कहाँ जाए, ये दीपक जल रहा है बुझ जाएगा तो अग्नि कहाँ जाए। तो ये बात बड़ी गहरी थी, कबीर साहब ने पूछी गोरखनाथ जी पर, जवाब व्यवस्थित नहीं आ पाया। तो ये सूक्ष्म तत्व है, हम इसको वेदांत की मतलब भाषा में हम इसको पंचीकरण कहते हैं, पांचों भुजा का, है ना। इसके बाद उस साक्षी को मैंने बता दिया, साक्षी कैसे समझाया, जैसे आप कुरुक्षेत्र के चौराहे पे खड़े हो गए, अब आप खड़े हो गए, वहां मोटर जा रही है, कार जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, आप आपको कोई मतलब आप देख रहे हो बस, आप किसी से जुड़ रहे हो, कोई दोस्त आ जाए गलती से तो जुड़ जाओ, वो बात है। लेकिन हमारे इसमें इसको किसी से जुड़ना नहीं, अच्छा विचार आ रहा है कुछ नहीं होना, बुरा विचार आ रहा है तो दुखी नहीं होना, है ना। बस उसको देखना है, बस उसको देखना है, नहीं उससे जुड़ना नहीं, यहाँ से हमारी साधना की शुरुआत होती है। और वहां चलेंगे, अगर विचार से जुड़ गए तो वो करता है, और विचार से हट गए तो वो था, विचार से जुड़ गए तो वो करता है, और विचार से हट गए तो वो ध्यान है। और जो लोग ध्यान कराते हैं इस जगत में वो करता बनेगा, ध्यान कराते हैं हटने का ध्यान। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अभी बोल सकते हो, विरोध कर सकते हो, क्योंकि मैं सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। इस विचार को देखते देखते इसके बाद एक अवस्था खड़ी होती है, जिसको शून्य समाधि मैंने बोला, जिसको कहा निर्विचार अवस्था बोला, और इसके बाद की जो इस तुम्हारा करने में बस साक्षी कर सकते हो, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद तो गुरु की कृपा से या भगवान की कृपा से होता है, तभी रामायण में कहा जही जाने सो ताहि जानहि। यहाँ पर भक्ति और प्रेम दोनों की जरूरत, और होश की भी जरूरत, भक्ति में अंधे मत बनो और होश से भक्ति करो, तो फिर जो है आगे जाके भान आएगा। भान कैसा होता है, जब सूरज उगता है पूरब से, तो सूरज जब पूरब से उगता है तो आपने सबने देखा होगा, सबका अनुभव है कि पूरब दिशा लाल हो जाती है, पूरब में आकाश लाल हो जाता है, भगवे रंग का हो जाता है। तो जब आप में अंदर परमात्मा प्रकट होने लगता है तब तो आपकी कैसी स्थिति होती है, आपको अंदर से एहसास होने लग जाता है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, पूरब मत मानना, जैसे कोई माता बहन होती है और उसकी गोद भरने वाली होती है, तो सबसे पहले माता बहन को मालूम पड़ता है, तो वो अपने सास को या बताती है, अपनी जिठानी देवरानी को बताती है कि मेरे को कृपा हो गई है भगवान की, मेरे को मेरे गोद भरने वाली है। तो ऐसे ही जब तुम्हारी गोद भरने वाली होती है, जब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं, जब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला होता है, जब तुमको तुम पर भगवान की कृपा होने वाली होती है, तो तुम्हें अंदर से एहसास होने लग जाता है कि नहीं यार वो परम तत्व इस तरह का है, उसको हमने भान अवस्था भान अवस्था। इसके बाद में आप जब उस परम तत्व में जाग गए तो हमने उसको जागरण कहा, और फिर उसमें क्या होता है, सोहमास्मी व्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आपके अंदर वह मैं परमात्मा हूँ, सो युवकम यज्ञ हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ, इसका आपके अंदर बोध बना रहता है। और वृत्ति शब्द तुलसी आदि ने इसलिए लिखा, उनके पास कोई वो कविता मिलाने के ठीक से शब्द नहीं था, वो वृत्ति नहीं अखंडा सही, वो वृत्ति नहीं वो निवृत्ति है, वृत्ति होगी तो संसार है, और निवृत्ति यानी परमात्मा। तो ये हो जाता है, और जागरण जब जागरण आपको घेर लेता तब आप क्या है, उस समय आपको आत्मज्ञान की अवस्था में आप बैठते उठते खाते पीते, तब क्या होता है, तब फिर गीता में अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि कर्म कैसे कटेगा। लोग कहते हैं भगवान कौन सा कर्म किया था, लकवा हो गया, बिस्तर में लेटा हूं मैं, बाथरूम कर रहा हूं मैं, पड़ा हूं घर वाले परेशान है, घर वाले को पर प्रार्थना कर रहे हैं कभी मर जाए तो अच्छा है, बहुत परेशान हो गए, 1.5 साल हो गया इसको। तो वो जो आपका जागरण, वो आपका जागरण क्या करता है कि आपके कर्म बंधन काटता है। तो भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन ये कर्म बंधन काटने का सिर्फ एक ही रास्ता, वो क्या कि तू जो है मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूं, इस ज्ञान का सहारा ले, अवलंबन ले। तब तो अर्जुन ने आखिर में कहा गीता
और मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ मेरे सबड़े से, क्योंकि हम चाहे परमहंस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे जो संत हैं हमारे हृदय जब भगवान के चरणों में झुकते तो हमारी क्या होता है, जब भगवान नारायण अगर आ जाएंगे तो सबसे पहले संतों के चरणों में सिर रखेंगे वो। गुरु रघुनाथ परस्पर नमामी, गुरु और रघुनाथ एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु जानते हैं कि ये भगवान सच्चिदानंद अवतारी, रघुनाथ जानते हैं ये सतगुरु इस जगत में जो भी रंजी शंकर सम होई बिन गुरु भवानी की तरह की कोई, जो भगवान शंकर के समान सामर्थ्य वाले हो जाए, ब्रह्मा के समान जैसे विश्वामित्र ने एक सृष्टि बना दी थी ऐसा भी हो जाए तो भी वो बिना गुरु के संसार सागर से सिस्टर नहीं सकता, ये मैं नहीं कहता हूं तो राम से मनस। तो जब आप इस जागरण में निरंतर जीते हैं तो आपके अनेक जन्मों के कर्म खत्म हो जाते हैं, जैसे गीता में भगवान ने कहा ज्ञान दग्ध करना पड़ेगा, ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाए जल, और ज्ञान के अलावा कोई उपाय नहीं, ज्ञान दग्ध करवाणी, तुम मेरी बात कर सकते हो कृष्ण भगवान की बात नहीं कर सकते, भगवान ने साफ लिख लिया ज्ञान की दग्ध। और भगवान ने यह भी लिख दिया कि तू करता मत बन, प्रकृति क्रिय करवाणी अहंकार विमूढ़ आत्मा करता एक मन्यते, गाली दी है आप लोग विमूढ़, विमूढ़ किसको कहते हैं, मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख उसको विमूढ़ कहते हैं, श्रेष्ठ मूर्ख जो मूर्खों का राजा है। तो अगर अपने को करता समझते हो आप, अगर आप करता समझते हो अपने को, तो इससे बड़ी और कोई मूर्खता और कोई मूर्खता मूर्छा नहीं हो सकती है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है प्रकृति क्रिय करवाणी अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इव मन्यते, ये इव शब्द हरियाणा का है, ये इव जो शब्द जब आता है तो हरियाणा की आ जाती है, कहीं पर भी आ जाती है, इव कहा जा रहे हो दाऊ दाऊ इव कहा जा रहे हो, इव शब्द हरियाणा बड़ा प्यारे बोलिए हरियाणा। तो यार तो ज्ञान अग्नि कब प्रकट होगी, जब तुम साक्षी का ध्यान करोगे, और साक्षी का ध्यान करोगे तब तो मैं निर्विचार प्रकट होगा, और निर्विचार प्रकट होगा तो भान प्रकट होगा, और भान प्रकट होगा तो जागरण प्रकट होगा, जागरण ही ज्ञान की, जागरण ही ज्ञान की अग्नि। तो दस इतना बढ़िया मैं आपको फ्री में मार दे रहा हूँ, आप लेते क्यों नहीं, ना तो दक्षिणा मांग रहा हूँ आपसे, ना दान मांग रहा हूँ आपसे, ना जमीन मांग रहा हूँ आपसे, ना आश्रम मांग रहा हूँ आपसे। मेरे से किसी ने कहा महाराज आश्रम बना है जमीन है, मैंने कहा भैया हम तो यार पक्षी हैं, पक्षी कोई पेड़ की रजिस्ट्री कराता है, इस पेड़ से उड़ के उस पेड़ में, ये जितने बाबा जी बैठे इनका आश्रम में जा सकते, कल कभी आश्रम चले ये बोला इनके आश्रम चले जाए, वो बोला हमारा क्या है, हम तो बेघर हैं, जिसके घर में बैठ गए वही हमारा घर, भाई परमात्मा का कौन सा आश्रम है। अब मुझे एक बात याद आई, सुबह एक बहन जी बोल रही थी कि वो वृंदावन बहुत पवित्र धाम है, मैंने कहा पवित्र धाम है लेकिन ये पूरी पृथ्वी पवित्र है कैसे, राजा बलि से जब भगवान ने दान लिया तो पूरी पृथ्वी तैर रहा था, पूरी पृथ्वी पर एक पैर पर तीनों लोग काम लिए भगवान, तो ऐसे दीन बंधु दयालु दीनों के नाम इतने सामर्थ्यवान, और वो आपके इस कुरुक्षेत्र में एक सामान्य कृष्ण बन के वो सारथी बने अर्जुन के, रथ चलाया उन्होंने, उनका दुपट्टा गिर गया पूरी पृथ्वी काम गई, चैत्र का वध किया तो सूरज को रोक दिया उन्होंने, तुमको क्या पता टाइम रुका था, टाइम समय रुका था, जब चैत्रथ मरा था टाइम रुका था जो कभी नहीं रुकता, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार था जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, मैं गारंटी से कहता हूँ मुझे दर्शन मालूम है आपके कथाओं के, पुराणों की जो हंसी उड़ाते हैं वो मूर्ख है, पुराण हमारा इतिहास है उसके रहस्य है, इनको मूर्खों को क्या मालूम कि पुराण में जो बात कही, अब करोड़ों अरबों साल की बात एक किताब में लिखी हुई है तो बेतरतीब तो हो ही जाएगी, पुराण हमारा इतिहास है, वेदों में जो स्तुति की है जो लोग हंसी उड़ाते हैं वेदों में स्तुति, अरे वो स्तुति नहीं है गधों, उसके स्तुति को गहरे से उतरोगे जैसे मैं सुंदरकांड का मैंने बताया आपको तो उसमें भयंकर रहस्य छिपे हुए हैं। वेदों के पहले क्या होता था कि जो बुजुर्ग होते थे माँ बाप होते थे वो धन को कोई पाठ में कोई दीवार में इधर उधर गाड़ के रख देते थे, कभी मेरे बच्चे कहीं भी आएगी तो मकान तोड़ेगा तो मिल जाए, ऐसे हमारे जो पुराण हैं वेद हैं वो
उपनिषद है, शास्त्र है, इनमें बड़े गुण रहस्य से इसको कोई ब्रह्मवेत्ता समझा सकता है, सामान्य आदमी भी समझा सकता है। तो फिर मैं कह रहा था ज्ञानार्थ कर्म कर्माणि, फिर आपके कर्म नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप नींद में सोते हैं तो भी आप जागृत रहते हैं। जब मैं नींद में नहीं रहता बता, जब मैं नींद में सोता हूँ तो भी मुझे उस परम तत्व का बोध रहता है। जब मैं सुषुप्ति में सोता हूँ तो भी उसमें उसका बोध रहता है। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो चाहे आपकी मृत्यु कैसे भी हो जाए, एक्सीडेंट हो या कैसे भी हो या डॉक्टर के टेबल पे हो, लेकिन आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग में भी नहीं जाना पड़ेगा। आप सीधे सीधे परमात्मा के स्वरूप में सायुज मुक्ति प्राप्त करोगे। भगवान कैसी मुक्ति देते हैं, सामीप्य मुक्ति, नारद आदि, नारद सनत कुमार सनंदन, इनको सामीप्य मुक्ति है। वो भगवान के पास रहते हैं, भगवान के पास रहते। सुदर्शन को क्या समझते हो, सुदर्शन चक्र भगवान का चक्र। अम्बरीश के पीछे दुर्वासा ने कृत्या फेंकी, यानी मूड फेंकी, तो सुदर्शन ने दुर्वासा की फेंकी हुई मूड को वहीं नष्ट कर दिया। तीनों लोकों में दुर्वासा घूमे, उनको कोई नहीं बचा पाए। तो भगवान ने कहा, विष्णु ने, कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, भक्तों ने मेरा हृदय चुरा रखा है, भागवत में देख लो। तब अम्बरीश के पैरों में दुर्वासा ऋषि गिरे, जो कि जिसके क्रोध और उसकी शक्ति और सामर्थ्य दुनिया परिचित थी दुर्वासा के, वो अम्बरीश के पैर में गिरे। भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम तो तभी प्रकट होगा प्यारे, जब तुम ध्यान करोगे। अभी तो तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा प्रेम भी झूठा, तुम्हारी भक्ति भी झूठी, हाँ तुम जाग जाओ उस परमात्मा के, तब प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम जो कहता है, जो हमने कहा रामचरितमानस का, भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ही ले जाना। तुमने नहीं माना था, मानना अंधों की भाषा है ये, मानना दूसरे धर्म कहते हैं कि मान लो एक शब्द पढ़ा दिया तू हो गया, ये हमारे धर्म में आ गया, हमारे सनातन धर्म में मानने वाली बात नहीं है। हम ये अपने को झूठा बदनाम करते हैं कि अपन अंधविश्वासी हैं, अपन अंधविश्वासी नहीं है, अपन तो जानते हैं। शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो जो प्रेम है, उस प्रेम की प्रकटता होगा जब तुम साक्षी का ध्यान करके निर्विचार में खड़ोगे, तब तुम्हारे अंदर एक भीना भीना प्रेम मस्ती आएगी, आनंद आएगा, मजा आएगा। तुम क्या करो, संसार में तुम कुछ भी वस्तु ले लो, कार ले लो, बंगला ले लो, तुम हजारों स्त्रियों से विवाह कर लो, लेकिन तुमको वो प्रेम नहीं मिल सकता। कौन सा प्रेम, जो तुम साक्षी और ध्यान के बाद अपने अस्तित्व के अभर यानी भान अवस्था में प्राप्त करोगे, वो प्रेम है। जो सुख पायो राम भजन सो सुख नारी अमीरे में, कभी सा भला अपनी अरबों खरबों के साम्राज्य और राजकुमार पर
पाने को, सिंहासन को लात मार के निकलते हैं सत्य के ज्ञान के लिए। ऐसे महान महापुरुष जो जंगल में जाकर कंदराओं में बैठ के भगवान को खोजते हैं और सारे संसार के आकर्षण को त्याग देते हैं, ऐसे महापुरुष जो राम होकर भी पैदल चलते हैं जमीन पर आप लोगों के लिए, ऐसे महापुरुष जो कृष्ण होकर भी शिशुपाल की गालियां सहकर भी, ये क्या नाम है इसका, युद्ध नहीं है, दुर्योधन के अनेक प्रकार के षड्यंत्रों को सहन कर देंगे और गीता का महान से महान अमृत आपके यहाँ व्यक्ति करें इस क्षेत्र में, तो ऐसे महापुरुष जो चीज इतनी कठिनाई से प्राप्त करते हैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ, फिर मुफ्त में ये मार बिल्कुल मुफ्त में है। आप इस ध्यान को करो, मेरा शिष्य यहाँ रहता है सूर्यगम, वो आपका मार्गदर्शन भी करेगा और अब ये इंट्रोडक्टरी मेरा प्राथमिक प्रवचन में यहाँ पूरा करता हूँ और इसके बाद आप लोगों को 10 मिनट का विश्राम है और इसके बाद में आपको ध्यान करना, अपने प्रवचन के बाद आपको ध्यान करना और मैं फिर एक बार मेरे जो संत हैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। मुझे को भैया बाप में उनको बैठा नहीं आ सकता, मेरे संत महापुरुष जो मेरे को एक छोटे बच्चे के समान समझ के उन्होंने यहाँ बैठ के और बात करने का अवसर दिया, मैं ऐसे संतों के पवित्र चरणों में सिर रख के ढोल लगाता हूँ प्रणाम करता हूँ और इनकी कृपा इनका प्रेम मुझे बरसों भर अपने कुरुक्षेत्र में से जाकर प्रचार करें और इस कपट निर्लोभ रूप से अपन लोगों को शांति में स्थापित करें और इस सनातन हिंदू धर्म का जो केंद्रीय तत्व सेंट्रल आइडिया जो उपनिषदों ने कहा है सर्व अखिल धर्म, उसको अपने इसके द्वारा प्रैक्टिकली लोगों को आए सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम शिवोहम।